हरे कृष्णा। आज हम जो है एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। तो एकादशी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि माता जी हम किस प्रकार से एकादशी का व्रत करें, क्योंकि हमें कोई भी बताने वाला नहीं है, हमारे घर में भी नहीं है कोई ऐसा, और हमारे बगल में आस पड़ोस में भी कोई हमें ठीक ठीक तरीके से बताने वाला नहीं है। तो जो भी मंदिर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और मंदिर से जैसे बताया जाता है कि शास्त्रों में आप पढ़ सकते हैं इनको, कहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो उस प्रकार से पढ़ने के बाद में और सुनने के बाद ही जो है हम आगे बताने का प्रयास करते हैं सभी को। तो अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं अभी तक, तो आपको इसी एकादशी से व्रत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जन है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसीलिए यदि हम अन्न को ग्रहण करेंगे तो हम पाप को ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए इसी एकादशी से शुरू कीजिए। एकादशी का व्रत करने की विधि बहुत ही ज़्यादा सरल है। एक दिन पहले से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है, तो शाम को जो है बहुत ज़्यादा भारी भोजन ना करके हल्का फुल्का भोजन करने का प्रयास करें, और अगर आप में क्षमता नहीं है मतलब फल फ्रूट इसी पर रहने की, तो भोजन कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी करें, और उसके बाद में समय से सोएं और सुबह जल्दी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और उसके बाद में स्नान आदि करके स्वयं को चंदन तिलक लगाएं और भगवान को भी चंदन तिलक लगाएं, उन्हें भी स्नान आदि करवाएं, और उसके बाद में उन्हें बाल भोग लगाएं, और फिर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करें, उन्हें प्रार्थना करें कि आज से आप एकादशी का व्रत शुरू करने जा रहे हैं और वो आपकी पूरी पूरी सहायता करें एकादशी का व्रत जो है पूरा करने में। और उसके बाद में पूरे दिन में आप जो है अच्छी तरह से भगवान के नाम का जप करें, जो है उनकी भागवतम पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, और अन्य अन्य जो शास्त्र हैं आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को भक्ति में लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने आप को जो है भक्ति में रखना है, और इधर उधर की उल्टी सीधी बातें ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में विचार ना करें उल्टा सीधा, बस भगवान का ही ध्यान रखना है, भगवान के बारे में ही विचार करना है। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत ही सरल कार्य है, और जितना सुख और आनंद हमें इसमें मिलेगा उतना हमें बाहर की चीज़ों में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप शुरू कर सकते हैं एकादशी का व्रत। अब आते हैं कि हम एकादशी के व्रत में क्या खाएं उस पर। तो एकादशी के व्रत में दो तीन तरह से एकादशी की जाती है, सजला, सफला और निर्जला। यानी कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो निर्जल रहते हैं, बिना जल पिए। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो व्यक्ति जैसे रह सकता है उसको रखना चाहिए, लेकिन जो है ये नहीं करना है कि अपने जो है तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी जो है हम जल वगैरह ग्रहण ना करें। तो इस तरीके से रहा जाता है, आप जल ना लेकर भी रह सकते हैं, फिर आप जल पीकर ही रह सकते हैं, इस तरह से भी रहा जाता है। और अगर ऐसे भी नहीं रहा जाता आपसे, तो फल फ्रूट ग्रहण करके आप रह सकते हैं, और अगर फिर भी आपसे उस तरह से नहीं रहा जाता तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कुछ सब्जियां हो गई हैं, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, कैप्सिकम है, ये सब चीज़ें जो है उपवास में आप ले सकते हैं, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करना है बस। और मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं, और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और अन्य तेल नहीं लेना है, जैसे सरसों का या किसी और चीज़ का, वो अनाज से बनता है। और इस प्रकार से जैसे कुट्टू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी उपवास करवा सकते हैं, उन्हें ऐसा फील नहीं करवाना है कि ये एक उपवास है, उन्हें एक फेस्टिवल की तरह, एक त्यौहार की तरह उनके लिए एकादशी होनी चाहिए। तो शुरुआत अगर आप कर देंगे अपने बच्चों के लिए भी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और उन्हें बहुत अच्छा अच्छा जो है भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खिलाइए, तो
बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी एकादशी का उपवास करना सीख जाएंगे और आज वो एकादशी का उपवास जो है इस तरह से मनाएंगे फेस्टिवल की तरह, तो वो धीरे धीरे भक्ति में और आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो और अच्छी तरह से जो है आगे चलकर इसको कर पाएंगे। तो हमको बस प्रयास करना है कि हमको खुद भी जो है एकादशी का व्रत करना है और दूसरे व्यक्तियों को भी इसमें लगाना है। और एकादशी का व्रत जो है, अगर यदि आप छोटे बालक हैं तो उसके लिए क्षमा है और बुजुर्गों के लिए भी और बीमारों के लिए भी, लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एकादशी का व्रत करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सभी एकादशी का व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। दूसरे दिन अगर आपको टाइम पता चल जाता है कि पारायण का समय ये है तो अच्छा है, नहीं भी पता चलता है तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन जल्दी स्नान आदि करके भगवान को जो है सेम उसी तरह से सेवा वगैरह करके, और सूर्य उदय के बाद आप भगवान का जो भी उच्छिष्ट है, जो भी आपने उन्हें भोग लगाया है, उसे ग्रहण करके व्रत का पारायण कर सकते हैं। बस इतना ही करना है और आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। एकादशी के व्रत का महत्व तो यही है कि उपवास, यानी कि हमें ऊपर उठना है अपने जो हम निम्न स्तर पर जब जहाँ पर हम आ गए हैं वहाँ से। बहुत सारे घरों में जो है बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि नॉनवेज वगैरह बनता है, हम कैसे किस तरह से करें, तो कोई बात नहीं है, जो जो कर रहा है उसे वो करने दीजिए, नहीं मानता है नहीं सुनता है कोई बात नहीं, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है, हमें अपनी तरफ से भगवान को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करनी है और फिर इसी प्रकार से जो है हम सेवा करते करते भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के बारे में छोड़ दीजिए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपके घर में कोई और करता है या नहीं करता है, कई सारे ऐसे मिथ भी हैं कि क्या एकादशी का उपवास शादीशुदा औरतें कर सकती हैं या जवान कर सकते हैं, सभी के लिए एकादशी का उपवास है। कहीं पर भी हमने ये नहीं पढ़ा है कि ये एकादशी का उपवास केवल बुजुर्ग या बूढ़े लोग ही करते हैं। एक समय की बात मैं आपको बताती हूँ, श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता जी से कहते हैं कि हे मेरी प्रिय माता जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उनकी माता जी उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं और वो पूछती हैं कि मेरे प्रिय पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगी जो भी तुम मुझसे मांगना चाहते हो। तभी चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता, आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना किया करें, अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है। तो स्वयं भगवान अपनी माता को बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के ही अवतार हैं, तो वे जो है सची देवी उनकी जो माता हैं उनको बता रहे हैं कि माता आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, मैं आपको दंडवत करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। उसी दिन से उन्होंने कहा कि मैंने आज से एकादशी के दिन अन्न को त्याग दिया है, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी। तो उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर उनकी माता श्री ने एकादशी का उपवास शुरू कर दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले के समय में यही एक धारणा थी कि एकादशी का जो उपवास है वो बुजुर्ग लोग करते हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं, जब बच्चों से निवृत्त हो जाएंगे तब करेंगे। अरे भाई, कलयुग में इतना समय कहाँ है किसी के पास भी कि सब चीज़ों से निवृत्त होने के बाद में वो ये सब कर पाए। तो जरूरी है कि जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा के लिए विचार करें और इसी जन्म में अपने आप को शुद्ध करें, भगवान की भक्ति करें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अपने असली घर भगवत धाम चले जाएं, जहाँ पर भगवान और श्रीमती राधा रानी आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।